जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। या आई नो दैट यू लव वॉचिंग इस्लामिक वीडियोज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री। हिस्ट्री वाले रिएक्शन देखना तो बहुत पसंद है, क्योंकि पहली बात तो मेरे लिए भी बीइंग अ हिंदू इट इज़ अ वेरी न्यू थिंग, होल न्यू डील टू एक्सपीरियंस मुस्लिम कम्युनिटी एंड द हिस्ट्री। वेरी रिच, बहुत रिच हिस्ट्री है, बहुत बहादुर बहादुर योद्धा थे इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर, जो कि मैंने अभी इस 1.5 महीने के पीरियड के अंदर एक्सपीरियंस किया है। एंड यू नो, आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट कॉन्टेंट है। लेट मी रीड द टाइटल, क्योंकि काफ़ी बड़ा सारा टाइटल है एंड इट्स वेरी एनलाइटनिंग। ट्रस्ट मी, पूरा वीडियो एंड तक देखना। हजरत आदम और मौत का फरिश्ता, कसास उन नबीयीन, कसास अल अनबिया। ओके, आई हैव टेकन दिस वीडियो फ्रॉम मेहरबान अली का चैनल, उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड दिस टाइटल वॉज लाइक वे टू डिफिकल्ट फॉर मी टू रीड, क्योंकि देखो उर्दू के जितने भी वर्ड्स हैं आज तक उतने ज़्यादा मैंने इसे रीड नहीं करे, जितना भी किया है वो सब इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर किया है। सो लेट अस स्टार्ट द रिएक्शन। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छा सा प्यारा सा कॉमेडी कंटेंट होता है जो आपको देखना बहुत पसंद आएगा। इट्स वेरी फनी, सो जस्ट गो एंड फॉलो ना। एक फॉलो वाले बटन भी तो टैप करना है। जब अल्लाह ने इंसान को खल्क करने का इरादा किया तो कोई भी फरिश्ता जमीन से मट्टी न ला सका, तो इतने में हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ अल्लाह ये काम मुझसे ही होना है। तो बस अल्लाह के हुक्म से हजरत इजराइल जमीन को आए और तीन अक्साम की मट्टी को जमा किया, सुर्ख, सफेद और स्याह। फिर इस मट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान रखा गया और मुसलसल बारान रहमत बरसती रही। फिर अल्लाह ने इस मट्टी को अर्श पे बुलाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार कर दिया और 40 साल तक वो जन्नत में रखा गया। हर फरिश्ता उस मुजस्मे को देखता कि ये मट्टी का बना हुआ पुतला कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, कैसे जिंदा होगा। 40 साल तक अल्लाह ने इस निशानी को कायम रखा और फिर एक दिन जन्नत के तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज मैं अपनी इसमें रूह डालूंगा और जब ऐसा हो तो तमाम फरिश्ते इस आदम को सजदा कर देना। सब फरिश्ते हैरत से पुतले को देख ही रहे थे। इतने में अल्लाह ने इस मट्टी के मुजस्मे में अपनी रूह डाली तो आदम अलैहिस्सलाम ने छींक ली और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर के अल्लाह की तारीफ करने लगे सिवाय इब्लीस के, और वो तकब्बुर और हसद कर बैठा। अल्लाह ने उसे अपनी दरबार से निकाल दिया। फिर अल्लाह ने हजरत आदम से बीबी हवा को पैदा किया और इनकी जन्नत में की गई गलती के सबब इनको जमीन पे भेज दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अब जन्नत में वो ही आएगा जो ये साबित करे कि वो हमारा फरमा बरदार है। और यूं इंसानों के लिए दुनिया में इम्तिहानात को रखा गया ताकि हर इंसान इम्तिहान देकर अल्लाह को राजी करके जन्नत तक पहुंच सके। तारीख ने लिखा जब आदम और बीबी हवा जमीन को आए तो 200 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे और अल्लाह से माफी मांगते रहे। बिलाखिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का में जबले अरफात पर छोड़ आए और वो साथ रहने लगे। और फिर अल्लाह ने हजरत आदम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा तामीर करें और हजरत जिब्रील और हजरत आदम ने मिलके एक घर का निशान कायम किया जिसको बाद में तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया और जिसे आज भी अल्लाह का घर खाना काबा कहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जब अपनी खता को लेके पशेमान होते थे या अल्लाह की इबादत करना चाहते थे तो इस जगह आके अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह को राजी किया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की जिंदगी पाई जबकि आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद जिन जिन को नबुव्वत मिलनी थी उनकी शख्सियत और उनकी उम्र आदम अलैहिस्सलाम के नज़दीक वाज़ह कर दी। आपने जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दे। तो यूं आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दो फर्जंद अता किए, हाबिल और काबिल,
लेकिन शैतान के विस्म से हसद और नफरत ने जब काबिल के हाथों से हाबील को कत्ल करवा दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह की दरबार में दुआ मांगने लगे। तो एक दिन अल्लाह ने जिब्रील अमीन को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया, ऐ आदम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नसब से अंबिया औलिया जमीन तक पहुँचेंगे, उसका नाम शीस रखना। शीस का मतलब है अल्लाह का अता किया गया तोहफा। और यूं अल्लाह ने आदम की नस्ल को जमीन पे फैला दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया, आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा जन्नत के फल खाने का जी कर रहा है। आपके बेटे जमीन पे जन्नत के फल ढूंढते रहे कि अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ऐ बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाबा आदम के लिए जन्नत के फल ढूंढ रहे हैं। उन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। आपके तमाम फर्जंद दौड़ते दौड़ते आप तक आ पहुँचे तो आदम अलैहिस्सलाम बिस्तर बीमारी पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बस इतने में मौत का फरिश्ता आ पहुँचा। जैसे ही बीबी हवा ने मौत के फरिश्ते को देखा, हजरत आदम से लिपट गई कि मैं अपने शोहर को अपने से जुदा नहीं करूँगी। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हवा, मुझसे दूर हट जा, एक मर्तबा पहले भी तेरी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ। आज अल्लाह और उसके फरिश्ते के दरमियान तू हायल न बन। फिर आप उन फरिश्तों से मुखातिब होके कहने लगे, ऐ फरिश्ता मौत, क्या भूल तो नहीं गए? मैंने अल्लाह से सुना था मेरी उम्र 1000 साल की है और अभी तो मुझे 960 साल हुए हैं। तो मलकुल मौत ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी आदम, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी जिंदगी के 40 साल आपके पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए जाएं। बस आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई, आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी जनाजे नमाज फरिश्तों ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की और जमीन खोद कर आपकी तदफीन की और तमाम इंसानों के नजदीक अल्लाह का ये हुक्म नाफिज किया कि जब भी किसी का इंतकाल हो तो उनके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी उन फरिश्तों की सुन्नत पे अहले ईमान अमल करके अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। आपकी कब्र मुबारक की जगह को लेके इख्तलाफात हैं। कुछ मौरखीन के नजदीक आपकी जाए तदफीन श्रीलंका, तो कुछ के नजदीक जबले अबी कबीस, तो कुछ के नजदीक इराक, और कुछ के नजदीक मस्जिद खरीफ के सहन या अंदर। बाज रवायतों में ये भी है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता मौत आ पहुँचा तो आपने अपने बेटे जिसको आपने अपना जानशीन बनाया था हजरत शीस अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ऐ मेरे जानशीन, मैंने अल्लाह से सुना था कि अन करीब इस जमीन पे एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, अगर तुम उस वक्त तक मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को उस कश्ती नूह में सवार करना जो निजात का वसीला है, और अगर तुम उस वक्त तक ना पहुँचो तो अपनी औलाद से वसीयत करना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करे। तारीख ने लिखा, जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम और बीबी हवा के जिस्म मुबारक को अपनी कश्ती में सवार किया और बैतुल मुकद्दस या इराक में उस जगह तदफीन किया जहां उन्होंने अपनी ही कब्र बनाई और बीच में एक कब्र खोद के अपनी तहरीर छोड़ दी। और जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने शहादत पाई तो उन्होंने वसीयत की, मेरे जनाजे को ऊंट पे रख के हसन और हुसैन पीछे चलते रहना, जहां ऊंट रुकेगा वहां एक चमकीला पत्थर होगा, उसको हटाना तो मेरी कब्र बनी होगी। जब इमाम हसन और हुसैन उस जगह पहुंचे जहां ऊंट रुका, उस चमकीले पत्थर को हटाया तो एक तरफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र बनी थी, दूसरे तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र बनी थी और बीच में एक कब्र खुदी हुई थी और उसमें तहरीर था कि ये कब्र नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से वक्त के इमाम और रसूल अल्लाह के वसी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए बनाई है। आज भी इन मुकद्दस मज़ारात की ज़ियारत के लिए लाखों लोग इराक आते हैं और ज़ियारत करके अपना ईमान ताज़ा करते हैं। क्या बात है, मेहरबान, वाओ मैन।
Loved it. See, honestly telling you, जैसे ये video start हुआ था, I got amazed like anything. मतलब एक बार को believe नहीं हो रहा था कि तीन तरीके की मिट्टी ली, सुर्ख, सफ़ेद और स्याह, if I am not wrong, और उससे मिलाकर के एक मिट्टी का पुतला बनाया गया और 40 साल तक वो पुतला रखा रहा और फिर उसके बाद उसमें अल्लाह ने जान डाल दी, रूह डाल दी. मतलब कितना, मतलब ये सब बहुत सरप्राइजिंग, बहुत अमेजिंग लगता है. पता है हिंदू हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ ना, जैसे गणेश जी को तैयार किया था ना हाथों के मैल से, अपने शरीर के मैल से पार्वती माता ने गणेश जी की मूरत तैयार करी थी और उसके अंदर जान फूंक दी थी, उसी तरीके की चीज़ यहाँ पे एक्सपीरियंस हुई है. एंड आई फील सो ब्लेस्ड कि कितनी सिमिलैरिटीज़ है हम लोगों के धर्मों में. एंड यू नो इट वॉज अमेजिंग, बहुत ज़्यादा, बहुत डीप था ये पूरा का पूरा. इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू लिसन इट लाइक 4-5 times, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें मिस आउट कर देते हो आप बीच में, है ना, देखते हुए समझ में सब कुछ आ रहा होता है बट स्टिल यू गेट लॉस्ट इन द वीडियो एंड ऑडियो सो मच. आई नो इट वॉज सैड एट द एंड, मतलब जन्नत तो उन्हें मिल गई पर वो भूल गए थे आखिरी में कि उन्होंने अपनी उम्र के 40 साल अपने पोते को दे दिए हैं. फिर उसके बाद उन्हें याद दिलाया गया तो उन्हें याद भी आ गया. एंड आई एब्सोल्युटली लव द वीडियो. प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा. आई एम शॉक्ड राइट नाउ. आई एम एबल टू मेंटेन द स्माइल दैट आई हैड इन द स्टार्टिंग, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रिएक्शन देती हूँ एंड इतने ज़्यादा शॉक में चली जाती हूँ कि मुस्कुराना भूल जाती हूँ, कि रिएक्शन दे रही हूँ. पर आज मुझे सब याद रहा और हर चीज़ इतनी अच्छी लगी एक्सपीरियंस करना. इट्स लाइक सो रिफ्रेशिंग टू एक्सपीरियंस दिस इस्लामिक हिस्ट्री. थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग मी दीज वीडियोज़. दिस इज़ केलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ.